हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रिडिक्शन मास्टर में, जहां आज मैं आपको बताऊंगा जर्मनी और कोरिया के बीच में होने वाला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 का आज का पहला मैच जो कि रसिया में खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस मैच का मैं आपको स्टार्टिंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊंगा, साथ में ही कुछ बड़े चेंजेज है जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको वो चेंज और स्टार्टिंग 11 और ड्रीम 11 टीम बताऊं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, कुछ ही देर में मैं मेक्सिको और स्वीडन का भी मैच का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं दोनों टीमों की क्या स्टार्टिंग 11 हो सकती है। अगर बात करें फ्रेंड्स लास्ट तीन मैचों में, तो जर्मनी ने दो मैच जीते हैं और वहीं कोरिया ने एक, लेकिन इनका जो लास्ट मैच हुआ था वो 2004 में हुआ था। 2004 के बाद इन दोनों टीमों के बीच एक भी मैच नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है इस मैच में जर्मनी का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि जर्मनी एक डिफेंडिंग चैंपियन है और एक स्टार स्टडेड टीम है जिसमें सितारे ही सितारे भरे हुए हैं, बहुत ही अच्छी टीम है। फ्रेंड्स, जर्मनी के लिए यह मैच डू और डाई का मुकाबला है, इस मैच को हर हाल में जर्मनी की टीम जीतना चाहेगी, तो अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ जर्मनी की टीम उतर सकती है। तो फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं जर्मनी की क्या स्टार्टिंग 11 हो सकती है। तो मैनुअल न्यूयर जो कि गोलकीपिंग करते हुए नजर आएंगे आपको, जोनास हेक्टर, निकलस सूल, एंटोनियो रोड्रिगर, जोशुआ किमिच, सैमी खेदिरा की वापसी लगभग तय है क्योंकि पिछला मैच में ये नहीं खेले थे, फिर टॉनी क्रूज और मेसित ओजिल भी नहीं खेले थे पिछला मैच में, तो इनका भी लगभग खेलना आज का मैच में तय है। उसके बाद थॉमस मूलर, मार्कस रियस और टीमो वर्नर। तो फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग 11 के साथ उतर सकती है जर्मनी की टीम। अब बात करें फ्रेंड्स साउथ कोरिया की स्टार्टिंग 11 की, तो ह्यूनो वू जो कि गोलकीपिंग करेंगे, फिर मिन वू, योंग गाउन, ह्यून सू, यंग संग, येंग, सियोन मिन, जे संग, ही चैन और हेंग मिन। तो फ्रेंड्स, ये साउथ कोरिया की स्टार्टिंग 11 रह सकती है। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, सब्सटीट्यूट्स के तौर पे हाफ टाइम के बाद कुछ प्लेयर को एक्सचेंज किया जाएगा, तो लेकिन जर्मनी की बात करें तो ये स्टार्टिंग 11 रहने वाली है। अब आइए फ्रेंड्स बात करते हैं दोनों टीमों की क्या ड्रीम 11 टीम हो सकती है, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। फ्रेंड्स, मैं ये स्मॉल लीग के लिए टीम बना रहा हूँ, आपको मैं बता दूंगा कि अब ग्रैंड लीग के लिए कौन कौन से प्लेयर अच्छे रहेंगे, आप उसमें लगा लेना। अगर बात करें फ्रेंड्स गोलकीपर में, मैनुअल न्यूयर और ह्यून वू ऑप्शन है, आप न्यूयर के साथ जाएं बिंदास, क्योंकि जर्मनी की डिफेंस बहुत ही अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता एक भी गोल होने देगी जर्मनी की टीम कोरिया को, तो इसे न्यूयर को क्लीन शीट मिलेगा, तो जाहिर सी बात है 5 पॉइंट जो है वो डायरेक्ट इनको बोनस में मिल जाएगा, तो न्यूयॉर्क एक बेस्ट गोलकीपर भी हैं, तो आप इनके साथ जाएं। आप ग्रैंड लीग में ह्यून वू के साथ जा सकते हैं। वहीं बात करें फ्रेंड्स डिफेंडर्स की, तो मैंने चार डिफेंडर्स, जोशुआ किमिच, एंटोनियो रोड्रिगर और जैन ह्यून सू और ली यंग को रखा है, ये चार मेरे डिफेंडर्स हैं। आपको बता दूँ जो दूसरे ऑप्शन है, जोनास हेक्टर, आप इनको रख सकते हैं, ये खेलेंगे। फ्रेंड्स, मैट ह्यूमेल्स अभी भी इंजरी से कंप्लीट तरीके से फिट नहीं हुए, हालांकि ये प्रैक्टिस करते हुए नज़र आए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता रिस्क लेगी टीम, तो ये इस मैच में बैठते हुए नज़र आएंगे आपको। अगर खेलना भी होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 मिनट के लिए आएंगे हाफ टाइम बाद, तो आप इन पर रिस्क ना लें। उसके बाद फ्रेंड्स जेरोम बोएटिंग, आप इनको मत रखना अपनी टीम में, क्योंकि इनको पिछले मैच में रेड कार्ड मिला था और ये मैच मिस करेंगे, सस्पेंड किए गए हैं इस मैच के लिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स इनको तकरीबन 53% लोगों ने रखा है, तो प्लीज़ अगर आपने इनको अपनी टीम में रखा है तो प्लीज़ इनको अपनी टीम से हटा दें, क्योंकि इनको रेड कार्ड मिला है और ये आज का मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास किम यंग गाउन के रूप में एक अच्छे ऑप्शन है, आप इनको रख सकते हैं, और फिर किम मिन वू और निकलस सूल को भी आप इस मैच में देख सकते हैं खेलते हुए। तो फ्रेंड्स ये हो गई डिफेंडर्स की बात, अब आइए बात करते हैं मिडफील्डर्स की। तो मिडफील्डर्स में मैंने पांच मिडफील्डर्स पिक करे हैं, मेसित ओजिल, हालांकि पिछला मैच ये नहीं खेले थे लेकिन इस मैच में इनका खेलना तय है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सिर्फ 14% लोगों ने इनको अपनी टीम में रखा है, क्योंकि पिछला मैच इन्होंने मिस करा था, तो आप इनको रखें और आप इनको ग्रैंड लीग में कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं, ये बड़े ही अच्छे प्लेयर हो सकते हैं आपके लिए। तो मैंने मेसित ओजिल को रखा है, उसके बाद मार्कस रियस, टॉनी क्रूज और की संग येंग, ये चार हो गए मेरे मिडफील्डर्स, और पांचवा मिडफील्डर्स मैंने ली जे संग को रखा है। ये मेरे पांच
मिडफील्डर्स हो गए आपके पास, जो दूसरे ऑप्शन है बता दूँ जूलियन ड्रैक्सलर, अभी तक इन्होंने पिछले दो मैचों में कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है, तो अगर ये खेले भी तो हाफ टाइम बाद ही आएंगे, स्टार्टिंग 11 में नज़र नहीं आएंगे, आप इनको रख सकते हो। लेकिन उसके बाद फ्रेंड सेमी खदीरा का भी खेलना लगभग तय है इस मैच में, ये भी पिछला मैच में इनको बैठाया गया था लेकिन इस मैच में ये खेल सकते हैं और 95% चांस है कि खेलेंगे, और देख सकते हैं आपको सिर्फ 3% लोगों ने इनको अपनी टीम में रखा है फ्रेंड्स, तो आप इनको ग्रैंड लीग में रखना बिल्कुल ना भूलें, आप इनको ग्रैंड लीग में रखें क्योंकि सिर्फ 3% लोगों ने रखा है। उसके बाद जो आपके पास दूसरे ऑप्शन है बता दूं, सियोन मीन और फिर से फ्रेंड सेबेस्टियन रूडी को अपना रखें, ये चोटी लें और ये आज का मैच नहीं खेलेंगे, और जे संग जोंग को भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं। तो ये मैंने जो पांच बेस्ट मिडफील्डर थे उनको पिक कर लिया, आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है सेमी खदीरा और जूलियन ड्रैक्सलर, तो ड्रैक्सलर का खेलना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप सेमी खदीरा के साथ जा सकते हैं, ग्रैंड लीग में इनको आप रखें तो ज़्यादा बेहतर है। वहीं बात करें फ्रेंड्स स्ट्राइकर्स की, तो मैंने सिर्फ एक स्ट्राइकर थॉमस मुलर को रखा है, आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है, हालांकि थॉमस मुलर अभी तक दो मैचों में कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं था लेकिन 2014 के वर्ल्ड कप में बड़े ही अच्छे परफॉर्मर थे थॉमस मुलर, और आप सब जानते हैं फ्रेंड्स कि ये बड़े ही बेहतरीन प्लेयर हैं और कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। आपके पास जो दूसरे ऑप्शन है बता दूँ फ्रेंड्स योंग मिन सोन, आप इनको रख सकते हैं लेकिन क्रेडिट मैनेज ना होने की वजह से मैं इनको नहीं रख पाया हूँ, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, देखिए 10.5 इनका क्रेडिट था इसलिए मैं मैनेज नहीं कर पाया हूँ, आप इनको रख सकते हैं अपनी टीम में। उसके बाद टीमो वर्नर आपके पास ऑप्शन है, आप इनको रख सकते हैं। मारियो गोमेज अगर खेले भी तो हाफ टाइम बाद आएंगे, और हवान ही चैन आपके पास ऑप्शन, तो ये कुछ ऑप्शन थे स्ट्राइकर में जो मैंने बता दिए। भाई ये बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन मैंने टॉनी क्रूज को बनाया है और वाइस कैप्टन थॉमस मुलर, या फ्रेंड्स यहाँ से आप वाइस कैप्टन मार्कस रियस को भी बना सकते हैं या फिर ओजिल भी एक अच्छे ऑप्शन आएंगे, तो ये आपके ऊपर है फ्रेंड्स, आप जिसे भी बनाएं मार्कस रियस को बना सकते हैं या फिर मुलर या फिर ओजिल, तो ये है आप आज की मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन। आइए एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं, न्यूयॉर्क किमिच रोड्रिगर योनसू एल यंग एम रियस टॉनी क्रूज एल जे संग ओजिल के संग और थॉमस मुलर। तो फ्रेंड्स ये आज की मेरी ड्रीम इलेवन टीम, जरूरी नहीं फ्रेंड्स जो मैं टीम बनाऊँ उससे आप जीतें, तो जो मैंने एक दो ऑप्शन दिए आप उनको अपनी टीम में रख सकते हैं चेंज कर सकते हैं, और कैप्टन और वाइस कैप्टन तो खुद की चॉइस से रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।